गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक, छोटा छोटा पार्ट है। एक कोरोना डिस्चार्ज है और एक है वॉन डी ग्राफ्स जनरेटर। ठीक है, इन दोनों का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंस है। कंपटीशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चांसेस कम है। वहाँ हो सकता है अभी जाए, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। सिलेबस में अगर है तो वहाँ भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये बोर्ड्स में पूछे जाने वाले टॉपिक है। छोटा छोटा टॉपिक मतलब कोई चैप्टर नहीं है, छोटा सा टॉपिक है जिसको अलग से स्पेशली हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो चलो, तो पहले हम लोग कोरोना डिस्चार्ज सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे वॉन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये वर्ड कोरोना जो है, इससे तो तुम भली भांति परिचित हो, अभी देख ही रहे हो क्या हो रहा है, कितना सारा कोरोना वायरस आया हुआ है। तो कृपया इन दोनों को रिलेट करने की गलती ना करें, कोई लेना देना नहीं है दोनों का, समझ गया ना। वो बायोलॉजी है, ये आपका फिजिक्स है। सवाल ये है कि ये क्या है, कोरोना डिस्चार्ज है क्या। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या है दोस्तों, इस बात को हम लोग जरा समझ लें। पहली बात कि इसका रिलेशन जो है वो डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से। डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन याद है ना आपको, कि जैसे मान लो क्या हो रहा था कि अगर कोई आपका मटेरियल है ये बैड कंडक्टर, तो जब बैड कंडक्टर है मान लो डायलेक्ट्रिक है, तो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, ध्यान से सुनते रहना भाई, एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो इसके अंदर पोलराइजेशन हो गया, जिसमें इधर आपका नेगेटिव डेवलप हुआ, इधर पॉजिटिव डेवलप हुआ, तो एक इंटरनल फील्ड भी डेवलप हुआ था। और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है ये डायपोल्स के ऊपर, ये डायपोल हो गया, क्योंकि डायलेक्ट्रिक किसी का बना होता है, डायपोल्स का बना होता है, उस मॉलिक्यूलर डायपोल्स का। तो पॉजिटिव चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा आगे और नेगेटिव चार्ज पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा पीछे। तो इस डायपोल पे दो फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आगे लगा, नेगेटिव पे फोर्स पीछे लगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, कि मॉलिक्यूल में आपका स्ट्रेन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? स्ट्रेन, सब कुछ बताया हुआ है। अगर ये फोर्स लगातार बढ़ता चला जाए तो ये बीच का मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और टूट जाने से क्या होगा कि ये डायलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा आपका, एक कंडक्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में कैपेसिटर में पढ़ रखा है, इसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो मैं इसको बस थोड़ा रिमाइंड करवा दिया आपको। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक्सटर्नल फील्ड अगर बहुत स्ट्रांग हो, एक्सटर्नल फील्ड अगर बहुत स्ट्रांग हो, तो उसके प्रेजेंस में जो मटेरियल बैड कंडक्टर भी होता है वो गुड में कन्वर्ट हो सकता है, और इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसका एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा नहीं बस, लेकिन आप ना थोड़ा ध्यान रखना इसको। मैं ऐसे एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में तो मेरे को डिस्कस करना ही है उसके क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे भी ये एक बार आएगा, ये नहीं बल्कि एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखो, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग जो होती है ना, बिजली जो चमकती है, जो जिसको बोलते हैं ठनका गिरना, है ना, हिंदी में बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में ठनका गिरना बोलते हैं, या इसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग जो है वो दरअसल डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का ही एक आपका जो है वो एग्जाम्पल है। क्या होता है बच्चों, या समझो इस चीज़ को, मान लो ये क्लाउड है, ठीक है, इन सब का यहाँ कुछ ना कुछ लेना देना है, इसलिए ये सब कुछ आ रहा है, क्लाउड है। जब क्लाउड आसमान में होता है, मूव कर रहा होता है, तो क्लाउड और एयर के बीच में, ठीक है ना, क्लाउड और एयर के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है, इस क्लाउड के ऊपर, बादल के ऊपर आपका मान लो कि चार्ज डेवलप हो रहा है। बादल पे क्या डेवलप हो रहा है? चार्ज। क्लाउड जितना उड़ता चला जाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर डेवलप होता चला जाएगा, और चार्ज अगर डेवलप होगा दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके सराउंडिंग में डेवलप होगा, और नीचे में कौन है? अर्थ, ठीक है। अब ये जो चार्ज है, ये चाहता है कि हम अर्थ के पास आ जाए, जैसा कि अर्थिंग में भी होता था। तो बादल के ऊपर इकट्ठा चार्ज एटमॉस्फेयर में के थ्रू अर्थ तक आना चाहता है, लेकिन ये आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा?
क्योंकि बच्चों बीच में जो आपका मीडियम है, ये जो बीच में आपका मीडियम है, ठीक है ना, ये बीच में जो मीडियम है ये आपका है एयर, और एयर क्या है आपका बैड कंडक्टर। एयर क्या है बच्चों, बैड कंडक्टर, और बैड कंडक्टर यानी डाइइलेक्ट्रिक। तो एयर तो इस चार्ज को आने नहीं देगा, लेकिन होगा क्या बच्चे कि अगर ये चार्ज नीचे नहीं आ पाएगा और बादल उड़ता चला जाएगा तो ये चार्ज और बिल्डअप होगा। एक समय आएगा कि ये चार्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 3×10^6 वोल्ट पर मीटर, यानी 30 मिलियन वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो एयर के लिए यही आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ याद है तुम्हें? बिल्कुल। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब हुआ कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके लिए कोई बैड कंडक्टर गुड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बादल पे जैसे ही इतना चार्ज इकट्ठा हुआ जिससे इतनी फील्ड पैदा हो जाए, तो बीच का जो मटेरियल, जो एयर था, जो आपका क्या था बैड कंडक्टर, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गुड कंडक्टर में। और वो गुड कंडक्टर में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होके अर्थ के पास आ जाएगा। तो ये चार्ज देखो यहाँ डिस्चार्ज हो गया, यहाँ भी क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो एक बार मैं फटाफट बोल देता हूँ, आप इसे लिख भी लेना अपने से, ठीक है ना। क्या हुआ, बादल उड़ा, एयर के साथ फ्रिक्शन हुआ, बादल पे चार्ज इकट्ठा हुआ, चार्ज धरती तक यानी सरफेस तक आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है, सरफेस तक आ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है बच्चों? तो इसलिए क्योंकि बीच का जो मटेरियल है, बीच का जो मीडियम है वो है एयर, जो कि बैड कंडक्टर है, या यूं कह लो जो कि डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन कोई भी डाइलेक्ट्रिक का अगर ब्रेकडाउन हो जाए हाई फील्ड पे, तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है, जो कि यहाँ भी होगा। तो बादल के लगातार उड़ते जाने से उसके ऊपर चार्ज बिल्डअप होता रहेगा, चार्ज बिल्डअप होगा तो उसके वजह से वहाँ के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती चली जाएगी, और जब फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी तो एयर जो वहाँ का है वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग। और एयर के कंडक्टिंग होने से ये बादल के ऊपर इकट्ठा सारा चार्ज जो है वो आपका एटमॉस्फेयर के थ्रू धरती तक पहुंच जाएगा, क्योंकि एयर का ब्रेकडाउन हो चुका है, एयर कंडक्टिंग हो चुका है, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग। कहोगे इन सब का लेना देना है, तभी मैं बता रहा हूँ। ये समझ में आ गया एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, ठीक है, जिसको अच्छे से लिख भी लेना, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज क्या है। पहले आपको मैं एक चीज याद दिला दूं, आप अगर ये एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते थे, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। अब इसके ऊपर अगर आपने चार्ज दे दिया तो चार्ज इस तरीके से इसके सरफेस पे चला गया दोस्तों, क्यों, इसका रेडियस मान लो आर है, ठीक है, तो रेडियस आर है तो इसके किसी पॉइंट का पोटेंशियल सरफेस पे, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता था, तो सरफेस पे पोटेंशियल होता था बच्चों वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4πε0r, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था बच्चों, क्यू अपॉन 4πε0r2, सब बताया हुआ है। तो ये पॉइंट मान लो P है, इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम चाहो तो लिख सकते हो, देखो q/4πr² जो है ये सरफेस एरिया है, तो q को सरफेस एरिया से डिवाइड करोगे तो वो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, तो सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सब चीज आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और पोटेंशियल को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपको फॉर्मूला कॉपी में लिखवाया गया है और चाहो तभी भी देख सकते हो। ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना किसी इक्वेशन में, यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आर से मल्टीप्लाई किया, नीचे आर से मल्टीप्लाई किया तो 4πr² हो गया, क्यू अपॉन 4πr² चार्ज अपॉन एरिया तो हो गया सिग्मा। तो देखो किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के पास जो पोटेंशियल होता है वो सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा समझते हो, सिग्मा हो गई चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये हम लोग पहले से जानते हैं, अब इसका यूज अभी कर लेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में और आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, मैं एकाएक मेरे दिमाग में आया कि किसी भी कैपेसिटी किसी भी स्फेयर को मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हो, तो सीधी सी बात है इसके आसपास में अगर एयर है या कोई भी मीडियम है तो जब इस पर चार्ज दोगे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे, तो अगर चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना भाई, चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और वो फील्ड आसपास के मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ये जो पास का मीडियम है ये सब बैड कंडक्टर की तरह होगा, तब ना चार्ज इस पे इकट्ठा रहेगा। किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज क्यों जमा रहता है, क्योंकि चार्ज वहाँ से जा नहीं सकता, चार्ज क्यों नहीं जा सकता है, तो आसपास का मीडियम क्या है बैड कंडक्टर। लेकिन अगर आसपास का मीडियम गुड कंडक्टर हो जाए तो क्या उस स्फीयर पे फिर चार्ज रह पाएगा, चार्ज तो फ्लो कर जाएगा, क्योंकि चार्ज चाहता है कि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएं अगर पॉजिटिव है तो। क्लियर, तो किसी स्फीयर पे अगर तुम चार्ज बढ़ाते जाओगे तो फील्ड बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये फील्ड बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि आसपास का मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब याद करो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब वो फील्ड जो उसकी सहने की क्षमता है उससे ज़्यादा हो जाए। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो फील्ड वो आपका वहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा डिस्चार्ज, मतलब फील्ड की वैल्यू बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ते बढ़ते एक ई मैक्स तक जाना चाहिए। ये ई मैक्स क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम, मतलब चार्ज बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगा, फील्ड बढ़ते बढ़ते ई मैक्स तक जाना चाहिए और ई मैक्स की वैल्यू से ज्यादा आप चार्ज नहीं दे सकते हो। तो कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसी स्फीयर को कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं, तो पहले तो ये पता करो कि स्फीयर रखा हुआ कहाँ है, रखा हुआ किसी मीडियम में, मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है मतलब जो तो उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब उसका फील्ड सहने की क्षमता हो गई, तो वो जो वैल्यू फील्ड का दिया रहेगा उसको यहाँ पुट कर देना, उसको कहाँ पुट कर दोगे ई की जगह, अब बाकी ये सब एरिया उरिया सब दिया हुआ रहेगा रेडियस वगैरह, तो क्यू की वैल्यू तुम्हें निकल जाएगी। तो ये हम बोल सकते हैं कि किसी स्फीयर को वही मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। या मैं फॉर्मूला बना देता हूँ अच्छा रहेगा आपके लिए, तो क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ई इंटू 4πε₀r², ये आपका मैक्सिमम चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप यहां से अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम पोटेंशियल तक बताइए कब तक होगा, तो यहां से अगर चार्ज निकल जाएगा मैक्सिमम तो यहां चार्ज पुट कर दोगे तो पोटेंशियल भी आ जाएगा, समझ गए ना। तो कहोगे उससे ज्यादा चार्ज देंगे तो चार्ज लीक कर जाएगा, चार्ज क्या कर जाएगा बच्चे, लीक कर जाएगा। अब देखो हम लोग एकदम टॉपिक के नजदीक पहुंच गए, चलो ये बात हो गई। अब देखो हम लोग काम की जगह पहुंच गए। अब मान लो मेरे पास एक ऐसा स्फेयर, कहोगे ये स्फेयर तो नहीं है, बिल्कुल सही जो सोच रहे हो, थोड़ा और तरीके से बनाया जाए। मान लो कि ऐसा स्फेयर है, अब ये स्फेयर तो नहीं है भाई, तो
स्फेयर नहीं है, लेकिन हर एक पॉइंट का के छोटे से पोर्शन को स्फेयर माना जा सकता है। जैसे इस छोटे से पॉइंट जगह स्पेस को स्फेयर मान सकते हो, यहाँ छोटे से स्फेयर को भी, छोटे से पार्ट को आप स्फेयर मान सकते हो। अगर मान लो ये भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर है, इस पे आपने चार्ज दे दिया, चार्ज दे दिया तो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कहाँ पे, सरफेस पे, चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दो पॉइंट उठा लो, एक पॉइंट ये ए और दूसरा पॉइंट है ये बी। तुमसे पूछा जाएगा कि ए और बी में कहाँ पे वो जो कर्व बन रहा है, देखो यहाँ पे भी घुमावदार है तो कोई ना कोई रेडियस तो इस पोर्शन का होगा, यहाँ भी ये घूम रहा है, क्योंकि पूरा यूनिफॉर्म स्फेयर होता जैसा कि ये है तब तो एक ही रेडियस होता, लेकिन तुम ये मानते हो कि अगर ये छोटे से पोर्शन को सर्कल कंसीडर किया जाए तो इसका रेडियस होगा आपका आर ए और इसकी रेडियस होगी आर बी। तो तुम ये सर्टेन बोल सकते हो कि ये जो आर ए है, जहां थोड़ा फ्लैट दिखे, फ्लैट, तो और सीधी सी बात है, देखो छोटा स्फेयर एकदम कर्व हो गया, बड़ा स्फेयर में देखो फ्लैट दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली जितना फ्लैट दिखेगा, फ्लैट मतलब समतल, उसका रेडियस उतना बड़ा होगा। तो ये तुम कह सकते हो कि सर यहाँ पे क्लियर है कि आर ए ग्रेटर देन किससे होगा, आर बी से, है ना, जितना फ्लैट होगा वहाँ का रेडियस बड़ा होगा। दूसरी बात कि अभी यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, कोई बैटरी वैटरी तो है नहीं, तो तुम ये भी बोल सकते हो दोस्त कि कंडक्टर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हमने क्या बताया था, सेम बताया था कि नहीं। तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि वी ए इक्वल्स टू वी बी। अब जरा ध्यान देना, दोनों जगह का रेडियस भले अलग अलग हो लेकिन दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम क्यों होगा, बिकॉज दे आर पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर, है ना। चलो अब कुछ ही देर पहले हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला भी लिख दिया है, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या लिखा है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों वी ए, यहां का पोटेंशियल इक्वल टू सिग्मा ए इंटू आर ए बाई एप्सिलॉन नॉट, और वी बी होगा सिग्मा बी आर बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रही है बात समझ में, तो इसका मतलब ये हुआ, और दोनों जगह का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों इन दोनों को इक्वेट कर देंगे जैसा कि इक्वेट हमने किया है, तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो सिग्मा ए इंटू आर ए इक्वल टू सिग्मा बी इंटू आर बी, यानी कि डेंसिटी ऑफ चार्ज और रेडियस का मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आया। और जैसा कि आर ए ग्रेटर है आर बी से, तो ऑटोमेटिकली अगर आर ए बड़ा होगा, एक पार्टनर बड़ा है तो दूसरे पार्टनर को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, बराबर। तो अगर आर ए बड़ा है आर बी से तो 100% गारंटी है कि सिग्मा ए से बड़ा होगा सिग्मा बी। तो ये हमने एक पॉइंट प्रूव कर लिया। क्या पॉइंट प्रूव कर लिया बच्चों, तो पॉइंट ये प्रूव कर लिया कि अगर एक कंडक्टर जिसका साइज एसिमेट्रिकल हो तो सभी जगह पोटेंशियल भले ही सेम होगा लेकिन चार्ज डेंसिटी सेम नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज बता रहा हूं, इस लेक्चर को अच्छे से आप सभी को देखना है, सभी जगह की पोटेंशियल सेम नहीं होगी, सेम होगी, सभी जगह की डेंसिटी सेम नहीं होगी। डेंसिटी कहां की ज्यादा होगी, तो जो फ्लैट होगा, फ्लैट उसका रेडियस बड़ा होगा, आर ए बड़ा है तो वहां की डेंसिटी कम होगी, और जो जितना शार्प, शार्प मतलब तीखा, जल्दी से घूम जाए, जैसे कि यहां जो जितना शार्प इंड होगा वहां पे डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगी, ज्यादा। क्लियर, तो चार्ज की डेंसिटी वहां ज्यादा होगी। अब कोई कहे कि दोनों जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कंपेयर करो,
यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा या यहाँ का ज़्यादा होगा, पोटेंशियल तो भाई सेम होगा, लेकिन सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर देखें तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें तो रेडियस वेडियस है ही नहीं, बस ये सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर सिग्मा ए से सिग्मा बी बड़ा है तो ये भी क्लियर हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए से बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या अभी तक हमने सीखा? तो हमने सीखा कि अगर कोई कंडक्टर एसिमेट्रिकल हो, जैसा तैसा हो, तो उसके सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, डेंसिटी अलग अलग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग होगा। और जो जितना शार्प कर्व होगा, जितना शार्प करने का मतलब जल्दी से घूम जाने वाला, कम रेडियस वाला, वहां पे डेंसिटी भी ज्यादा होगी और वहां पे फील्ड भी ज्यादा होगा, जो कि यहां पे बी है। और यहां से अब देखो हम लोग कोरोना डिस्चार्ज पे पहुंच जाएंगे। तो पहले आप इसको लिख लो बस। तो दोस्तों अब ये डायग्राम देखो, तुम्हें कोरोना डिस्चार्ज इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये भी एक कंडक्टर है, कंडक्टर लिया गया। तुम्हें पता है कि यहां का मान लो रेडियस अगर R1 है, यहां का R2 है और इसका अगर R3 है, तो R3 तो बहुत ही छोटा हो गया ना भाई। तो अगर इसके ऊपर तुमने चार्ज दिया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां की डेंसिटी अगर सिग्मा वन है, सिग्मा टू है और ये सिग्मा थ्री, इसको हम लोग पॉइंटेड एंड बोल दें, है ना? ये कैसा है? पॉइंटेड एंड। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि सिग्मा थ्री सिग्मा टू से ज्यादा होगा और सिग्मा वन से ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली ई थ्री ग्रेटर होगा ई टू से, ग्रेटर होगा ई वन से। तो इसके ऊपर जैसे जैसे तुम चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे बढ़ेंगे। तो चार्ज बढ़ने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह का बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन बढ़ेगा, सबसे आगे आगे कौन चलेगा? तो सबसे आगे आगे यही चलेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ाओगे दोस्तों, ई थ्री की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और ई थ्री की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अगर ई थ्री यहाँ पे जो ई थ्री होगा ये अगर वेरी लार्ज हो गया, वेरी लार्ज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इस पॉइंट के आसपास की जो हवा है या मीडियम है उनका हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे तो इन सभी से सबसे पहले फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी, तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन करने होने की अगर संभावना होगी तो यही वाले मीडियम की होगी। तो जैसे ही डायलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन होगा यहाँ से चार्ज आपका इससे डिस्चार्ज होना शुरू होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि किसी ऑब्जेक्ट पे, वो बादल वाली बात है, अब देखो क्लाउड वाला बात हो गया ना, कि चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे तब तक होता है जब तक कि आसपास की मीडियम क्या होती है, बैड कंडक्टर। जैसे ही यहाँ की मीडियम गुड कंडक्टर में कन्वर्ट होगी, चार्ज जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, लीक, चार्ज बच्चों लीक करने लगेगा। और ये लीकिंग ऑफ चार्ज जो है यही कहलाएगा कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या हुआ बच्चों? तो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करेंगे तो उसका जो पॉइंटेड एंड होगा वहां से चार्ज लीक होना स्टार्ट होगा, अगर आप चार्ज को लगातार बढ़ाते जाएंगे। और इसकी वजह क्या होगी? तो वो पॉइंटेड एंड पे जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और अगर वहाँ प्रेजेंट मीडियम के डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से वो ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ का मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा और सारा चार्ज लीक करके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। आ गई बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। तो मैं यहाँ इसका कुछ थ्योरी लिख देता हूँ, आप डायग्राम प्लस थ्योरी लिख दोगे तो आप आराम से इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों? चलो तो दोस्तों देखो, यहाँ मैंने इसे लिख दिया है, इफ़ ए कंडक्टर हैज़ पॉइंटेड शेप लाइक नेडल
सुई के जैसा आकार हो एंड चार्ज गिवेन टू इट द चार्ज डेंसिटी एट पॉइंटेड एंड विल बी वेरी हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दीज पॉइंटेड एंड्स विल बी वेरी हाई एंड दैट कॉजेज डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन इन एयर एंड चार्ज विल डिस्चार्ज थ्रू द पॉइंटेड एंड दिस इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। सिंपल हो गया, इतना डायग्राम बना दोगे तो एक अच्छा शॉर्ट नोट तुम्हारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉन डी ग्राफ जनरेटर। देखो वॉन डी ग्राफ जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने एक जनरेटर बनाया। जनरेटर मतलब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाला, नॉर्मल जनरेटर नहीं है ये। सवाल है ये क्या करता है। देखो हम लोगों को लैब में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जानते ही हो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पे दो पॉजिटिव चार्ज, इन पार्टिकल्स का यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में, रेडियो एक्टिविटी में या और भी कई सारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखने के लिए, है ना, एटॉमिक लेवल पे स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हाई एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। हाई एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स मतलब ये पार्टिकल्स चाहिए और इनकी वेलोसिटी बहुत तेज चाहिए। क्या चाहिए? बहुत तेज। तो इनकी पोटेंशियल अगर बहुत इनकी वेलोसिटी अगर बहुत तेज चाहिए तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक्सेलरेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जाके रखोगे। और फील्ड तभी पैदा होगी जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा। तो सीधी सी बात है, मान लो कोई आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और आप चाहते हो कि ये एक्सेलरेट कर जाए, तो क्या करना होगा? इसके सामने में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दो जो वेरी हाई पोटेंशियल का है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका एक्सेलरेशन के लिए इसकी तरफ दौड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तो आदत होती है हाई लो वोल्टेज से हाई की तरफ जाना, तो इस तरीके से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से अट्रैक्ट होने लगेगा। या प्रोटॉन को इसके पास ले जाके छोड़ दो तो प्रोटॉन यहाँ से दूर भागने लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन चाहिए चाहता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वॉन डी ग्राफ जनरेटर है ये एक एक्सेलरेटर है, हाई वोल्टेज एक्सेलरेटर। करता क्या है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के लिए क्यों चाहिए भाई? तो हम लोग जो सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लैटिस का स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें जिसको जान अंदर के स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए हाई एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए भी हमको हाई एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें पार्टिकल्स को, चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए एक जनरेटर चाहिए होगा। जनरेटर मतलब उतना वोल्टेज क्रिएट करने वाला जो इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सके, और वो जनरेटर सबसे पहले किसने बनाया था? वॉन डी ग्राफ ने। हालांकि आज इसका रिप्लेसमेंट आ चुका है, ये जनरेटर पहले यूज होता था लेकिन आज के डेट में ये आपको साइंटिफिक लैब वगैरह में शो पीस के लिए है, या आपको डिस्चार्ज वगैरह दिखाने के लिए, स्पार्क दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। इसके जगह ज़्यादा एफिशिएंट एक दूसरा एक्सेलरेटर आ गया है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, जो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, वो ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेटर है इसके कंपेयर में। लेकिन चलो ये भी हमारे सिलेबस में है, इसे भी पढ़ना है। तो अब क्या है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये वॉन डी ग्राफ जनरेटर है क्या। तो फिलहाल तो तुम्हें समझ में आ गया कि क्या इसका पर्पस है, ध्यान से सुनो मेरी बातें। ये एक हाई पोटेंशियल क्रिएट करने वाला जनरेटर है। हाई पोटेंशियल क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि किसी चार्ज पार्टिकल को हाई वोल्टेज की वजह से हम लोग एक्सेलरेट करवा सकें, है ना। निगेटिव को अपनी ओर खींच लेगा, पॉजिटिव को अपने दूर भगा देगा। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर क्यों चाहिए भाई? तो उसका वेरियस यूटिलाइजेशन है न्यूक्लियर रिएक्शन में या बाकी केमिकल बॉन्ड्स के स्ट्रक्चर को देखने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले
तो आखिर ये कैसे वर्क करता है पहले उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, और फिर लास्ट में एक डायग्राम भी बना दूंगा, जो डायग्राम आपकी बुक्स में भी दिया हुआ रहता है उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको समझा दूँ, जो मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है। जैसे कोरोना में भी मैंने पहले आपको समझाया डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तब फिर लास्ट में लोग आ गए, तो ये भी आपको टफ नहीं लगेगा, आप समझो बस मेरी बात को। देखो ये कैसे काम होगा, सीधी सी बात है, किसी स्फेयर को अगर एक्सेलरेटर की तरह यूज करना है तो इस पर बहुत सारा चार्ज देना पड़ेगा, जिससे कि वेरी हाई पोटेंशियल पैदा हो। तो चार्ज इसे दोगे कैसे, तो देखो चार्ज हम लोग कैसे देते थे कि एक स्फेयर को दूसरे स्फेयर से कनेक्ट करते थे। तो मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज इस पर है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा चार्ज है, इसके पास चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होके चला जाता था। लेकिन बात ये आ गई फिर कि जब मेरे को हाई वोल्टेज चाहिए तो इसको चार्ज देने के लिए जो दूसरा स्फेयर का यूज करोगे उसका वोल्टेज तो उससे भी ज़्यादा चाहिए, और जब मेरे पास वो है ही तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। मतलब ये जो सोचना है हमारा फ्लॉप हो गया। कुछ समझ में आया क्या है, इसको चार्ज देना है तो दूसरा एक स्फेयर लेके आना पड़ेगा, और दूसरा स्फेयर के पास अगर उतना चार्ज है ही तो फिर इसको देने का क्या ज़रूरत है, इसी का क्यों नहीं यूज कर लेंगे। आई बात समझ में, तो इसलिए ये फंडा नहीं चलेगा, कुछ और उपाय लगाना पड़ेगा। आप देखो जरा कैसे उपाय लगेगा, आप देखते जाओ बस। मान लो कि ये एक हॉलो स्फेयर है, सेल है, कंडक्टिंग सेल है, कंडक्टिंग सेल है, ठीक है। इसका रेडियस आर, क्लियर। इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस कैपिटल क्यू, इसके अंदर एक और स्फेयर है छोटा सा, ठीक है, उसका रेडियस है स्मॉल आर, और उस पर छोटा सा ही चार्ज है, कम चार्ज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, छोटा सा ही चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच में मान लो ये एक वायर है, स्विच है, अभी स्विच ऑफ है, ये इनिशियल कंडीशन है। इसको पहले अच्छे से समझ लेंगे, तुरंत तब समझ में आ जाएगा कि वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, तुरंत वहां समझ में आ जाएगा। मैंने ये जानबूझ के एग्जांपल लिया है। अब देखो यहां पे, और जब आप इसके ऊपर एग्जाम में लिखेंगे तो इसको भी लिखना है ना, तब अच्छा से सब कुछ समझा के आप लिख पाओगे। देखो अंदर वाले के ऊपर चार्ज है स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, बाहर वाले पे चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले का कैपिटल आर। ये पॉइंट वन मान लो और यहां वाला पॉइंट टू मान लो। जरा एक काम करो, पॉइंट वन का पोटेंशियल देखो वी वन कितना होगा। एक तो इस स्फेयर के सरफेस का पॉइंट है तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, अब प्लस ये इसके लिए अंदर का पॉइंट है, तो एक तो इस प्लस स्मॉल क्यू की वजह से भी पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। समझ में आ रही है बात। चलो इस पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल वी टू। अब देखो वी टू, एक तो ये खुद के चार्ज की वजह से सरफेस का पॉइंट है तो वो तो हो गया क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसके लिए अंदर वाले के लिए बाहर का पॉइंट है, तो अंदर वाले के लिए अगर बाहर का पॉइंट है तो वो बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, और सेंटर से यहां से दूरी कितनी है कैपिटल आर। समझ में आ रही है बात, ये ध्यान दो, जब वन निकालने गए तो एक जगह स्मॉल आर आया एक जगह कैपिटल आ रहा है, क्यों, तो वन इसके अपने सरफेस का पॉइंट है तो उसके हिसाब से लिख दिया, और इसके लिए अंदर का पॉइंट है तो अंदर में तो जानते ही हो किसी स्फेयर की जगह वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है, तो उसमें एक में स्मॉल आर इसमें कैपिटल आर, नीचे वाले यानी टू में दोनों में कैपिटल आर आएगा,
क्योंकि ये खुद का इसका सरफेस का पॉइंट है और इसके लिए भी ये क्या है, बाहरी पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब तुम देख सकते हो कि ये वाला जो फैक्टर है, एक फैक्टर, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि वी वन और वी टू में कौन बड़ा, तो तुम कह सकते हो कि सीधी सी बात है, देखो ये तो दोनों में कॉमन है ये वाला टर्म, और जहां तक रही बात इस टर्म की, तो वी वन में क्यू को स्मॉल आर से डिवाइड किए हो या यहाँ क्यू को कैपिटल आर से, तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वी वन जो है वो बड़ा होगा किससे, वी टू से। अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल लार्जर होगा किससे, बाहर वाले पॉइंट से। और अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, तो वी वन माइनस वी टू अगर पूछ ले, आ रही है बात समझ में, तो वी वन माइनस वी टू पूछ ले, इसमें से इसको घटा दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एक टर्म, तो ये कितना हो जाएगा, Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई स्मॉल r माइनस वन बाई कैपिटल r। तो एक बात गौर कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी बाहर वाले चार्ज के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का अंतर है वो किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, अंदर वाले पे कितना चार्ज है, ठीक है, और प्लस अंदर वाले पे कितना चार्ज है, प्लस इनके रेडियस पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, अगर इस स्विच को क्लोज कर दिया जाए, स्विच, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन इनर एंड आउटर स्फीयर। अब देखो दोस्त, अगर तुमने ये स्विच को क्लोज कर दिया तो होगा क्या, तो ध्यान से सुनो क्या होगा। अगर स्विच क्लोज कर दिया तो एक बात तो पक्की हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीख लिया है कि अगर दो कंडक्टर को एक वायर से जोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच चार्ज का तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये तो बात पक्की हो गई कि V1 क्या हो जाएगा, V2 के बराबर, आ रही है बात समझ में, और होना भी चाहिए क्योंकि अंदर वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है बाहर वाले का कम है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई वोल्टेज से लो की तरफ जाता है, तो अंदर वाले का वोल्टेज ज़्यादा बाहर वाले का कम, तो यहाँ से आपका चार्ज फ्लो करके बाहर जाएगा। तो V1 इक्वल्स टू V2 अगर हो गया दोस्त, तो V1 इक्वल्स टू V2 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सी बात है इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। यानी V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 जीरो। अब V1 माइनस V2 का एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा, Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई आर माइनस वन बाई कैपिटल आर। अब दिस होल थिंग इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखो यहाँ पे एक सिंपल एलिमिनेशन निकालते हैं, ये जीरो हो नहीं सकता, रेडियस भी जीरो नहीं हो सकता, तो एक ही फैक्टर है आरएचएस में जो जीरो हो सकता है, वो कौन है, क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि जैसे ही वायर कनेक्ट करोगे, बाहर वाले का चार्ज तो उसके पास रहेगा ही, बाहर वाले का चार्ज तो उसके पास रहेगा ही प्लस कैपिटल क्यू, अंदर वाला का भी सारा चार्ज फ्लो होके कहां चला जाएगा, बाहर। तो एक बात अपने को क्लियर हो गया आज से कि अगर दो कंसेंट्रिक स्फेयर हो तो चाहे अंदर वाले पे कितना भी चार्ज दे दो, कुछ भी दे दो, अगर कनेक्ट करोगे तो अंदर का सारा चार्ज भाग के कहां चला जाएगा, बाहर में। क्लियर है, मतलब अंदर वाले पे कोई भी चार्ज दोगे वो बाहर जाना ही जाना है। तो इस तरीके से बाहर वाले को सारा चार्ज मिल गया, क्यों मिल गया वो आपके सामने। तो हम लिख सकते हैं यहां पर टोटल चार्ज ऑफ इनर स्फीयर विल फ्लो टू आउटर स्फीयर। आ रही है बात समझ में, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनर पे अगर कुछ भी चार्ज होगा तो इनर वाले का पोटेंशियल आउटर से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। वो एक्सप्रेशन आपको बता रहा है, समझ गए दोस्त।
अब कहोगे इसका वान डी ग्राफ से क्या लेना देना है, तो अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो पहले तुम इसको लिख लो, तो दोस्तों मैंने ये यहाँ पे वान डी ग्राफ जनरेटर का एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसको मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैंने कुछ लिखा है, वो क्या लिखा जो अभी आपको समझाया वही लिखा है कि दिस इज हाई वोल्टेज जनरेटर दैट कैन प्रोड्यूस वोल्टेज अप टू फ्यू मिलियन वोल्ट्स, लाखों में वोल्टेज ये पैदा कर सकता है। इट कैन यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड आयंस एंड दीज एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। मेन क्या है कि मेरे को इसका स्ट्रक्चर और ये समझाना है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल तो मैंने आपको समझा दिया पहले ही, तो वहाँ से देखो ये कितना इजी हो जाएगा। तो पहले स्ट्रक्चर समझो क्या है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था ना कि दो स्फीयर था, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। तो ये जो बाहर वाला ये जो डोम शेप्ड है ये आउटर स्फीयर का काम कर रहा है और ये अंदर में ये एक पुली लगा हुआ है, हालांकि ये पुली मेटल का है। तो समझ लो कि अंदर वाले स्फीयर का काम ये पुली कर रहा है, ठीक है। एक पुली और नीचे लगा हुआ है, तो इस बाहर वाले स्फीयर को यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए ये ब्लू लाइन्स से बनाया हुआ है इंसुलेटिंग सपोर्टिंग कॉलम, ठीक। उसके बाद देखो ये एक पुली है जो नाच सकता है, नीचे भी एक पुली है। नीचे वाला जो पुली है उसमें मोटर लगा हुआ है, ये मोटर की वजह से घूम सकता है, ये मोटर की वजह से क्या हो सकता है, घूम सकता है। और इन दोनों पुली पे एक कन्वेयर बेल्ट लगा दिया गया है जिसको हमने यहाँ बोला है इंसुलेटिंग बेल्ट टू कैरी एंड डिलीवर चार्ज। नॉर्मली ये रबर का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, जैसे आप देखते हो ना फीता, जिसको फीता बोलते हैं। तो ये पुली पे एक तरीके से ना धागा जैसा लपेट दिया गया है, तो ये दोनों नाचता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। तो अब देखो क्या है, जब ये रोटेट होगा तो ये धागा यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक मेटल ब्रश लगा हुआ है। मेटल ब्रश पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग क्रिएट करके रखे रहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस सिल्क को दे दिया जाएगा, इस कन्वेयर बेल्ट को दिया जाएगा। तो जब ये नाचता हुआ नाचेगा तो ये बेल्ट ऊपर खिसकेगा और अपने साथ क्या लेके जाएगा, चार्ज। ये चार्ज डिलीवर किसको कर देगा, अंदर वाले स्फीयर को, और अंदर वाले स्फीयर को डिलीवर करेगा। तो फिर यहाँ से हमने एक तार कनेक्ट कर दिया है आउटर को, और अभी आपको बताया था कि अंदर वाले से अगर बाहर वाले में तार जोड़ देंगे तो जो भी चार्ज अंदर वाले में होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कहाँ चला जाएगा, बाहर वाले में। तो कितना सिंपल है भाई, यहाँ वाले मेटल ब्रश जो है वो इस सिल्क के धागा को चार्ज दिया, ये बेल्ट ऊपर गया अपने साथ चार्ज लेके, और ये चार्ज फिर इस मेटल का एक ब्रश जैसा होता है कनेक्टर समझ लो, वो कनेक्टर से ये कहाँ पे आ गया, बाहर में। तो इस तरीके से बाहर में अंदर में कोई चार्ज, देखो इधर वाले बेल्ट पे मैंने कोई नहीं चार्ज दिया, मतलब ये चार्ज लेके गया, चार्ज डिलीवर किया, फिर ये बेल्ट वापस आया, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ से तुम चार्ज सप्लाई करते जाओ और ये चार्ज इसके ऊपर जाता चला जाएगा। तो मतलब कि आपको सीधी सी बात है, इसके अंदर किसी तरीके से चार्ज पहुँचा देना है, उसके बाद तो ये चार्ज यहाँ से खुद बाहर चला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि अंदर वाला जो पॉइंट है वो कभी भी बाहर वाले से ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा, जो कि इससे प्रीवियसली हमने इसको आपको प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, इसके सरफेस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, आप जितना मर्जी है चार्ज करते चले जाओ। लेकिन फिर ध्यान रहे, चार्ज एक का भी एक लिमिटेशन है, जो कोरोना डिस्चार्ज में हमने देखा। इसके बाहर में भी ऐसा नहीं कि बहुत चार्ज दे दोगे तब तो फिर वो ब्रेकडाउन होने लगेगा, तो ब्रेकडाउन होने तक आप चार्ज को यहाँ पे देते जाओ, और तब तक आप, इसलिए मैंने लिख दिया कि मिलियंस ऑफ वोल्ट तक हम लोग चार्ज कर सकते हैं, अनलिमिटेड तो यहाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर आपका कोरोना डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी बात नहीं करते। तो कुल मिला के अच्छा नीचे में और बाकी चीज़ें भी लिखी गई हैं, ये जो आपका बेस है इसको ग्राउंडेड बेस मेटल बेस यहाँ अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है ना, सपोर्ट के लिए है वो सब। तो आपको ये मोटा मोटी ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ये पूरा डायग्राम होना चाहिए एग्जाम में, ये डायग्राम बना दोगे, ये पॉइंट्स लिख दोगे। अब प्रिंसिपल के नाम पे, प्रिंसिपल जो है उसके नाम पे, जो इसके प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने दो स्फीयर वाला बताया था उसके पूरे थ्योरी को लिख दोगे, और साथ ही साथ अगर LQ आ गया
तब तो इन चीज़ों के बारे में भी लिखना होगा कि बेल्ट कैसे घूम रहा है क्या, जो मैंने नहीं लिखा है वो समझा दिया, वो मेरे लिखने की बात नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो कि मोटर से ये बेल्ट घूम रहा है, फिर यहाँ से चार्ज डिलीवरी हो रहा है, इन सब को आप वर्ड्स में लिख दो। अल्टीमेटली तो ये समझाना था कि अंदर से चार्ज बाहर जाएगा क्यों, जो मैंने आपको समझा दिया, और वान डी ग्राफ का आखिर यूज क्या है, तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में। ठीक है बच्चों, तो लेकिन आप ना ये लिखने के बाद आप इनके बारे में भी दो चार लाइन लिखेंगे खुद से, या तो एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में सब कुछ ये सब के बारे में लिखा हुआ है, दो तीन लाइन उससे नोट बना लीजिएगा, या फिर एचसी होना कहीं भी। अरे इसमें करना क्या है कि देयर आर टू पुली, वन पुली इज मोटर ड्रिवन, समथिंग लाइक दैट, आप एक थ्योरी भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर तो आपको समझा ही दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लो। तो ये था आपका वान डी ग्राफ और कोरोना डिस्चार्ज, दोनों मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से कर लो। ठीक है, तो कल हम लोग यानी मंडे को फ्री इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के साथ मिलेंगे, वो आपको ऐप पे ही मिलेगा। ठीक है ना, ओके।